नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, ये इतना ऐसा ज़्यादा नाम फेमस हो चुका है कि आज के टाइम में हर युवा पीढ़ी के मुंह पर केवल एक ही नाम है, क्रिप्टो करेंसी। भैया, क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाओ तो आपको मौज आ जाएगी। कई एक हमने ऐड देखा था कुछ समय पहले, एक लड़के को सैलरी मिली होती है, वो घर पर पैसे लेके नहीं जाता है और वो साइड में दिखाता है कि उसने अपना जो इन्वेस्ट है वो क्रिप्टो करेंसी में कर दिया है। रणवीर सिंह के तो आप काफ़ी ऐड दिखते रहते होंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। बिटकॉइन के ऊपर आप पैसा लगाइए, आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, 100 रुपये से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है कॉइन डिसेस या कॉइन कोबे करके, जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि भारत सरकार इस पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती है, प्रतिबंध क्यों करना चाहती है, इसको बंद क्यों करना चाहती है भारत सरकार का, इसको भारत सरकार में इसको प्रॉब्लम क्या है। आज हम इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेके भारत सरकार की इतनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको इतना टेंशन क्यों हो रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या है। इसमें हमारे कुछ कॉइन्स वगैरह होते हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह या इथम, काफ़ी इसमें जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है और इसको सेल करना भी बहुत ईजी है। इसमें आप 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हो और आप जहां तक आप इन्वेस्ट करना चाहो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें सेल भी अगर आप करना, इसको अगर आप बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, बहुत ईजी है। आप आराम से इसको इन्वेस्ट करके, यूज करके, सीख के आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगर नॉर्मल इंसान की बात करें या फिर हम एक सरकार की प्रॉब्लम की बात करें, हम दोनों प्रॉब्लम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 1 नवंबर तक क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही करीब 75,000 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं। यह रकम बहुत ज़्यादा है, बाकी देशों से ये बहुत ज़्यादा रकम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये इन्वेस्ट करने की। लेकिन भारत सरकार इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि उन्हें इससे लगता है कि कहीं इससे कोई विवाद खड़ा ना हो जाए या कहीं जो पैसा आ रहा है वो कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जो अक्सर लोग कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड के कहने पे या किसी ना किसी के कहने पे पैसा लगा देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं अगर नॉर्मल इंसान की बात करूँ, अगर कोई व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो क्रिप्टो करेंसी पर किसी के कहने पे अगर वो इन्वेस्ट कर देता है 5 से 6 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये या 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट कर देता है, अगर उसका जो पैसा है वो लॉस में चले जाता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जो उसका पैसा था राशन पानी या उसने जो अपने पैसा मैनेज किया हुआ था घर के लिए, जो क्रिप्टो करेंसी में वो पैसा लगा दिया है, वो उसका लॉस में चला जाता है, उससे वो टूट जाता है और उसको लगता है कि मेरा पैसा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेकार है। इसमें इन्वेस्ट करना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आप कॉइन डिसेस या कॉइन कोबे पे हैं तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। मैं पहले तो आपको यही कहूँगा कि आप इस पर इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उसका आपको छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ। हमारे हिसाब से आप सबसे पहले किसी भी कॉइन को खरीदने जा रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका ग्राफ देख लें, उसका पर डे का ग्राफ, उसका वीकली ग्राफ, उसका मंथली ग्राफ और ईयरली ग्राफ। ये तीनों ग्राफ उसमें मौजूद रहते हैं। आप उनके पहले ग्राफ देखें कि जो ग्राफ है वो कितना जा रहा है, उनके आप कैलकुलेशन करें कि ग्राफ मंथली के लास्ट में ग्राफ कितना नीचे जाता है, हर महीने नीचे जाता है, हर महीने ऊपर जाता है, या क्या सिक्वेंस बनी रहती है, उस हिसाब से ही आप किसी पर इन्वेस्ट करें। और आप रेगुलर जो फेमस कॉइन्स हैं, जैसे बिटकॉइन हुआ या सोलाना हुआ या इथम हुआ, इन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपका रिस्क रहता है, वहाँ आपके पैसे डूबने का भी रिस्क रहता है। तो इसी को चलते हुए सरकार का भी इस पे विचार बनी हुई है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इस पे लोगों का जो पैसा लगाया जा रहा है, 75,000 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है भारत के लिए। जो 75,000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं क्रिप्टो करेंसी पे, ये लोगों का पैसा कहीं डूब ना जाए, इससे कहीं बैंकों में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने यह भी बताया कि अगर भारत सरकार इस पे प्रतिबंध नहीं लगाती है, अगर इसको लागू कर देती है, तो सभी बैंकों को अलर्ट रहना होगा और उन्हें अपने एक नए नियम बनाने होंगे इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर। इसे लोगों की संपत्ति घोषित कर देना चाहिए जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
इस पर कई तरह के बवाल बचते हैं। कई सरकारी आंकड़ों का मानना ये है कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कई सरकारी आंकड़ों का मानना ये भी है कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सरकारी आंकड़ों पर प्रतिबंध लगाने का यह रीजन है कि इससे किसी भी तरह की टेररिस्ट अटैक के लिए इसका जो फंड है वो यूज हो सकता है, या इसका जो इसका फंड है वो किसी न किसी घातक चीज़ के लिए यूज हो सकता है, या जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए यूज हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए इसका यूज हो सकता है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ सरकारी आंकड़ों का ये भी मानना है कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसको जो शेयरिंग के लिए है इसको बंद कर देना चाहिए। जो आप अगर इसको कहीं कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, वो आपको बंद कर देना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो भारत सरकार का इस पर एक विचार बनी हुई है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर इस पर कोई रोक लग जाती है तो काफ़ी लोगों का इस पर धक्का लग सकता है। काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर इसमें देखा जाए तो काफ़ी लोगों का जो इन्वेस्ट किया होता है वो इनका लॉस में चला जाता है। वो ग्राफ नहीं देखते हैं, वो जोश में 100 रुपये 200 रुपये ये ज़्यादा रुपये कहीं लगा देते हैं और उनका लॉस में चला जाता है, जिससे इनको काफ़ी बड़ा धक्का लगता है। तो आप सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या पहली बात तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी की तरफ ना भागें। आप जो अपना इन्वेस्ट है वो सोच समझ के करें। आप इसमें ही करना चाहते हैं तो पहले ग्राफ देखें, डायग्राम देखें, सोच समझ के आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो ही आप अपना पैसा लगाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको धन्यवाद।